नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जातीय सर्वे के आंकड़े सोमवार को जैसे ही सार्वजनिक हुए, बिहार में सियासत तब से ही तेज है। बिहार सरकार के आंकड़ों पर लगातार विरोधी सवाल उठा रहे हैं। इन सबके बीच जातीय सर्वे में भूमिहार जाति की जो आबादी दिखाई गई है, उस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बता दें कि जातीय सर्वे के आंकड़े जब सार्वजनिक हुए तो पता चला कि बिहार में भूमिहारों की संख्या जहां 37,50,886 है, वही कुल आबादी में इनका योगदान 2.87% का है। बता दें कि इससे पहले जब भी भूमिहार समाज के आंकड़ों पर बात होती थी तो माना ये जाता था कि इनकी आबादी 3-4% हो सकती है, लेकिन जब आंकड़े सामने आए तो पता चला कि 3% से भी कम बिहार में भूमिहारों की आबादी है। और ये बात बीजेपी को नागवार गुजर रही है और इसमें बीजेपी बड़े खेल का इशारा कर रही है। आपने कौन सी वैसी विधा जाति गणना में लगा दिया कि जो जो जातियां आपको विधानसभा उपचुनाव में हराने का काम किया, उन सारे जातियों का संख्या घटाने का आपने काम किया। भूमिहार गांव छोड़ा नहीं, जमीन छोड़ा नहीं, बच्चे पैदा करना छोड़ा नहीं, तो आखिर संख्या घटा तो कैसे घटा? जब बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक था, उड़ीसा में हमारी संख्या नहीं भूमिहारों का, झारखंड में कम संख्या, यहाँ तो बढ़ना चाहिए था इस गन्ना में, लेकिन आपने कौन सी विधा लगा करके संख्या घटाने का काम किया है? बिहार की जनता आपसे जवाब मांगती है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, एनडीए की सहयोगी आरएलजेडी या हम यूं कहें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी भूमिहार के आंकड़ों में खिलवाड़ की बात का दावा कर रही है। भूमिहारों की संख्या की जो आंकड़ा बताई गई है, निश्चित रूप से यह आंकड़ा से कोई भी सहमत नहीं है। मैं अपनी पार्टी के तरफ से यह मांग करता हूं कि पुनः जातिगत आंकड़े की समीक्षा जो है सो हो, और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में बिहार से जितने घटक दल हैं, खासकर जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और तमाम अन्य घटक दल जो इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, और जहां सवर्ण नेता हैं, मैं ऐसे नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस आंकड़ा से सेटिस्फाइड है? मैं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाह रहा हूं, क्या जो भूमिहारों की आंकड़ा दी गई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मैं अखिलेश सिंह से पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या आप जो आंकड़ा दिया गया है भूमिहारों के बारे में, क्या आप उससे खुश हैं? मैं नीरज कुमार से पूछना चाहता हूं, विजय चौधरी से पूछना चाहता हूं, जो अपने आप को समाज का बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन उन सबों के मुंह पे जैसो लगभग लगता है दही जमा हुआ है। और इन सब से दो कदम आगे बढ़ते हुए भूमिहार समाज के नेता कहे जाने वाले आशुतोष कुमार और आरजेजेपी पार्टी के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आशुतोष आंकड़ों के जगजाहिर होने के बाद राज्यपाल के पास जाने और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहे हैं। इसको जातीय जनगणना रिपोर्ट न कहा जाए, इसको राजनीतिक रिपोर्ट कहा जाए, और ये अपने हिसाब से सेट किए हैं कार्यालयों में बैठकर। हमारे पास हजारों ऐसे उदाहरण हैं, हजारों ऐसे मैसेजेस पड़े हैं, कमेंट्स पड़े हैं, लोग कॉल फोन कॉल से बता रहे हैं कि हमारे घर पर आज तक जब बिहार सरकार का कोई सर्वे टीम पहुंचा ही नहीं, फिर उन्हें कैसे पता कि हमारा सर्वे हो गया है? तो ये फर्जी सर्वे है और हम इससे संतुष्ट नहीं है। हम लोग अभी, हमारी तैयारी चल रही है कि हम लोग अपने समाज के गांव-गांव में पहुंचेंगे और लोगों से हस्ताक्षर लेंगे एक हस्ताक्षर अभियान के तहत, और लाखों लोगों का हस्ताक्षर लेके हम लोग राज्यपाल महोदय से मिलेंगे, और यदि आवश्यकता पड़ी, वहां से यदि न्याय नहीं मिला, तो फिर हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सरकार के इस रिपोर्ट के खिलाफ हम लोग कोर्ट में एक याचिका दर्ज करेंगे। पूरे मामले पर अगर वरिष्ठ पत्रकार की माने तो उनका ये कहना है कि भूमिहार जाति के ऊपर भुइया और भूमियार जैसे मिलते जुलते नाम वाले जातियों को रख कर कहीं न कहीं आंकड़ों में धांधली हुई है। वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं, सुनिए। तरवीज जिस रफ्तार में पूरा किया गया, पहले कोर्ट पर, कोर्ट से रोक लगी, उच्चतम न्यायालय ने रोक को हटाया और फटाफट सर्वे का काम 3-4 दिन में पूरा कर लिया गया। तो 4 दिन में सर्वे का काम कैसे पूरा हो गया? तो जाहिर है इसमें बड़ी संख्या में आंकड़ों को भरा गया, तो उस परिस्थिति में आंकड़े गलत भरे गए। अच्छा, कुछ संयोग भी है, कुछ प्रयोग भी है। जैसे एक जाति है भूमिहार, भूमिहार जाति के ऊपर जो कॉलम है वो है भूनिहार, और भूनिहार के ऊपर जो है वो है भूइया,
भुइयां की आबादी बिहार में बताई गई है 11.5 लाख के आसपास, 11 लाख से ज्यादा। अब ये जाति मूल रूप से झारखंड की है, बिहार में इसकी आबादी कैसे इतनी हो गई? जाहिर तौर पर भूमिहारों ने यहाँ तो गलती से उनके आंकड़े उसमें भर दिए गए हैं, और राज्य सरकार न ब्लॉक स्तर जिला स्तर पर डाटा जारी नहीं कर रही, तो सरकार डाटा को छुपा रही है इसीलिए क्योंकि ये डाटा फर्जी है। बता दें कि भूमिहार जाति जो है वो जनरल कैटेगरी में रखी गई है और देसी भाषा में इनको सवर्ण कहा जाता है और ये बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। इस वजह से भूमिहारों की आबादी कम होने की वजह से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को बड़ा झटका लगा है। अब देखना होगा कि आंकड़ों पर विरोधी तो सवाल उठा रहे हैं, बिहार सरकार इस पर क्या कुछ कहती है।